हाय गाइस, मैं आप लोग को 15 सितंबर का करंट अफेयर बताने जा रहा हूँ। 15 सितंबर 2023 का करंट अफेयर है। 15 सितंबर 2023। चलो अब हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने गुजरात राज्य की विधानसभा के डिजिटल हाउस का उद्घाटन किया। किस चीज़ का उद्घाटन किया? डिजिटल हाउस का उद्घाटन किया। कहाँ पर किया? गुजरात राज्य में। और कौन, किसने किया? जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है, उन्होंने किया। ठीक है, चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया गया। कौन सा हिंदी दिवस मनाया गया? राष्ट्रीय हिंदी दिवस। ठीक है, कब मनाया गया? 14 सितंबर को। चलो दोस्तों, हम लोग और आगे क्वेश्चन लेके चलते हैं। तीसरा हम लोग का है, हाल ही में पंजाब राज्य सरकार ने मिशन इंद्रधनुष 5.0 मुहिम की शुरुआत की है। कौन सा मिशन है? इंद्रधनुष 5.0 की शुरुआत किसने की? पंजाब राज्य सरकार ने। हाल ही में केंद्रीय कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने स्किल इंडिया डिजिटल पोर्टल, कौन सा? स्किल इंडिया डिजिटल पोर्टल लॉन्च किया। किसने किया लॉन्च है स्किल इंडिया डिजिटल पोर्टल? जो हमारे कौशल विकास मंत्री और उद्यमशीलता मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान ने किया है। ठीक है, हम लोग अब आगे क्वेश्चन चलते हैं। देखो आगे क्वेश्चन है, हाल ही में एयरबस डिफेंस एंड स्पेस कंपनी ने, जो एयरबस डिफेंस एंड कंपनी ने भारतीय वायुसेना का पहला एयरक्राफ्ट C-2295 सौंपा है। क्या सौंपा है भारतीय सेना को? कौन सा एयरक्राफ्ट सौंपा है? जो पहला एयरक्राफ्ट है जो C-295 सौंपा है, किसने सौंपा है? एयरबेस डिफेंस एंड स्पेस कंपनी ने। ठीक है, चलो हम लोग आगे क्वेश्चन में चलते हैं। ठीक है, देखो हमारा छठा क्या है। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रव्यापी स्वास्थ्य सेवा योजना आयुष्मान भव अभियान का शुभारंभ किया। किसने? जो आयुष्मान भव अभियान का वो चला है, उसको स्वास्थ्य योजना के लिए किसने आरंभ किया? द्रौपदी मुर्मू जी ने। ठीक है, हाल ही में असम के राज्यपाल कौन है? गुलाब चंद्र कटारिया। ये भी क्वेश्चन एक बन सकता है, पूछ सकता है असम के राज्यपाल कौन है, तो गुलाब चंद कटारिया याद रखना है। ठीक है, उन्होंने क्या किया? सरपंच संवाद मोबाइल ऐप का अनावरण किया है। हाल ही में असम के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने सरपंच संवाद मोबाइल ऐप का अनावरण किया है। सरपंच संवाद मोबाइल ऐप का अनावरण कौन किया है? गुलाब चंद कटारिया, जो असम के राज्यपाल हैं। ठीक है, चलो हम लोग आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो हाल ही में मदन लाल रैगर कांगो गणराज्य में भारत के नए राजदूत नियुक्त किए गए। अगर मतलब क्वेश्चन क्या आएगा, कांगो के जो कांगो गणराज्य है उसमें भारत का नए राजदूत कौन नियुक्त किया गया? मदन लाल रैगर। ठीक है, चलो आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में इस बार 4 दिसंबर को महाराष्ट्र के कोंकण तट पर स्थित सिंधु दुर्ग किले में नौसेना दिवस मनाया गया। नौसेना दिवस कब मनाया गया? सिंधु दुर्ग किले में मनाया गया। ठीक है, हाल ही में IIT गुवाहाटी के शोधकर्ताओं ने फार्मास्यूटिकल एंड खाद्य उत्पाद विकसित किए हैं। IIT गुवाहाटी के शोधकर्ताओं ने फार्मास्यूटिकल और खाद्य उत्पादित विकसित किए हैं। ठीक है, चलो हम लोग आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने संपत्ति संबंधित समस्याओं को कम करने के लिए गिफ्ट डीडी योजना शुरू की है। गिफ्ट डीडी योजना किसने शुरू की है? राज्य सरकार ने, संपत्ति संबंधित समस्या के लिए ये है। और हाल ही में जोशित रंजन सिकदर ने SECI के निदेशक का पदभार ग्रहण किया।
किया है। चलो आगे हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। आगे क्या है, हाल ही में हरियाणा राज्य सरकार ने अभिनेत्री मीता वशिष्ठ को मनोरंजन नीति के परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया है। जो अभिनेत्री हैं मीता वशिष्ठ को मनोरंजन नीति परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया, किसने किया? हरियाणा राज्य सरकार ने। ठीक है, आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने में नंदिनी कृषक समृद्धि योजना शुरू की गई। कौन सा कृषक समृद्धि योजना शुरू की गई? नंदिनी कृषक समृद्धि योजना शुरू की गई। कहाँ पे की गई? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, चलो अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, ठीक है, कौन सा इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ने पाकिस्तान देश से ओलंपिक क्वालिफायर की मेजबानी की अधिकार वापस लिए हैं। ठीक है, जो इंटरनेशनल हॉकी फाउंडेशन है उसने ने पाकिस्तान देश की जो ओलंपिक क्वालिफायर की वो मेजबानी थी उसका अधिकार वापस ले लिया है। ठीक है, चलो हम लोग अब आगे चलते हैं। क्या हाल ही में आईसीसी वनडे रैंकिंग में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर शुभमन गिल को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ? ठीक है, आईसीसी जो वनडे रैंकिंग है उसमें अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर कौन? शुभमन गिल को दूसरा स्थान प्राप्त किया है। हाल ही में युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव रक्षा रमैया को कर्नाटक टेबल टेनिस एसोसिएशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। कर्नाटक टेबल टेनिस एसोसिएशन का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? जो कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव हैं रक्षा रमैया, उनको किया गया। ठीक है, आगे क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। देखो आगे हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में प्रसिद्ध एक्टर कॉमेडियन संतीदर कुमार खोसला का 84 वर्ष में निधन हो गया। ठीक है, किसका निधन हुआ? जो संतीदर कुमार खोसला हैं उनका निधन हुआ 84 वर्ष में। वो एक्टर थे जो कॉमेडियन थे। ठीक है, अब नौवे क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में 1992 बैच के आईएफएस अधिकारी गोपाल बागले को ऑस्ट्रेलिया देश में भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया। आईएफएस अधिकारी जो हैं गोपाल बागले वो ऑस्ट्रेलिया देश में भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, वो आईएफएस कौन से बैच के थे? 1992 के। ठीक है, आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। देखो हाल ही में पूर्वी दिल्ली के लोनी क्षेत्र में पहले दिव्यांग पार्क का निर्माण किया जाएगा। जो पूर्वी दिल्ली है वहाँ के लोनी क्षेत्र में पहले दिव्यांग पार्क का निर्माण किया जाएगा। देखो हाल ही में किस नगर निगम ने कैश फॉर वेस्ट योजना शुरू की? किस नगर निगम ने कैश फॉर वेस्ट योजना शुरू की? बताओ, पटना ने। ठीक है, पटना ने, किसने की? पटना ने। चलो आगे हम लोग चलते हैं। देखो क्या है, हाल ही में किस राज्य ने चौथी G20 सतत वित्त कार्य समूह की बैठक शुरू हुई? कहाँ पे हुई? कौन से राज्य में चौथी G20 सतत वित्त कार्य समूह की बैठक शुरू हुई? वो है उत्तर प्रदेश। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो क्या है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 5वीं बार राष्ट्रीय व्हीलचेयर रग्बी चैंपियन 2023 का खिताब जीता? कौन से राज्य ने 5वीं बार राष्ट्रीय व्हीलचेयर रग्बी चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता? वो है महाराष्ट्र। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। देखो चौथा चौथा क्विज है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य की पहली सेवा क्षेत्र नीति को मंजूरी दी है? किस राज्य सरकार ने दी है पहली सेवा क्षेत्र नीति को मंजूरी? वो है हमारा आंसर उत्तराखंड। ठीक है, लास्ट हम लोग लेते हैं, लास्ट पूछा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने न्योमा न्योमा में दुनिया की सबसे ऊंचे फाइटर
एयरफील्ड का निर्माण किया जाएगा? कहाँ पे किया जाएगा? हमारा आंसर है लद्दाख। चलो दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग को अच्छी तरह समझ में आया। आप लोग इस पे कमेंट करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, ठीक है? थैंक यू। चलो।